अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरा नाम है नुज़हत हसन और मैं आपके लाई हूँ न्यू रेसिपी। और इसको स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन एंड वेजिटेबल सैंडविच, बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: आलू आधा किलो बॉयल, एक चम्मच वाइट पेपर, एक चम्मच ब्लैक पेपर, हसब ज़रूरत आपको सॉल्ट चाहिए। बॉयल हमने गोभी और शिमला मिर्च को एक बॉयल कर लिया है, एक पानी में बॉयल कर लिया है। और ये बॉयल चिकन है और इसको हमने अच्छी तरह से इसकी पीसीस कर लिए हैं। ये हमें हमने हरी प्याज ली है जिसको बारी बारी काट लिया, और दो अदद अंडे। अंडे आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जितने आपको ब्रेड आपकी चूसती है उसको अच्छी तरह से जब्स करती है, जितनी आपको चाहिए वो लें। और ये हमें ब्रेड क्रम का एक पैकेट है, तो कोई सी भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ हमने ब्रेड रखी है यहाँ पर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉयल जो आलू हैं उनको अच्छी तरह से उसको मैश करके, उनके अंदर कोई गुठली ना हो, कोई लम्स ना हो। अब उसको हमने मैश कर लिया है, अच्छी तरह से इसको हमने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम बॉयल चिकन ऐड करेंगे। आप चाहें तो पूरी कर लें, और जितना आपको चिकन चाहिए वो ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा ऐड करते हैं कुछ लोग कम, उस हिसाब से आप डालें। ये हमने जो बॉयल करी थी बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये हम पूरी ऐड कर रहे हैं। हरी प्याज ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब हम इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करेंगे, वाइट काली मिर्च जिसको कहते हैं, दखनी मिर्च के नाम से भी मिलती हैं। इनको पूरी ऐड कर दें, दो छोटी चमचियाँ, एक खाने का चमचा का हिसाब लगा लें। और ये आपके हिसाब से है कि आप जितनी ऐड करना चाहते हैं। या इसमें सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है, आप इसमें चाहें तो हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैंने हरी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली। ये काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का जो फ्लेवर है वो अच्छा आता है, तो मैं दोनों ऐड करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से हैंड वॉश करके हाथ धोने का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखिएगा। ये मेरा सीधा हाथ है क्योंकि कैमरा फ़्लिप करना है मुझे, अभी मैं फ़्लिप करूँगी जब पूरी एडिटिंग हो जाएगी, तो फिर मैं आपको, मेरा सीधा हाथ ही है ये, मैं सीधे हाथ से इसको मैश कर रही हूँ। वॉश करा है मैंने अच्छी तरह से, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है पूरा प्रॉपर, ताकि आलू और सारा मसाला एक तरह से यकजान हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें डालें जो ड्राई उसमें आती हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, गार्लिक सॉस भी आप डाल सकते हैं, मगर मैं इसलिए नहीं डालती कि वो थोड़ा सा आप, एक तो वो आप रख नहीं सकते, वो खट्टा हो जाता है, और दूसरा ये कि वो दूसरे दिन जैसे उसी टाइम फ्राई करने में थोड़ा सा वो सोगी सोगी सा हो जाता, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चिकन पूरी और जो बचाई थी वो सब ऐड कर दिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो उसको अच्छी तरह से एक तरह बिल्कुल यकजान कर लेना है इसको। बाहर शोर आ रहा होगा क्योंकि ट्रैफिक है बाहर, रमज़ान है, आज दूसरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैं इसको साइड में रखूँगी। अंडे जो हैं, जो दो अदद हमने लिए थे, इसको अच्छी तरह से आप फेंट लें कांटे की मदद से। ब्रेड क्रम प्लेट में मैंने निकाल लिया है, और ब्रेड का मैं आपको बताना चाहती हूँ, ब्रेड के जो कोर होते हैं जिसको हम साइड कहते हैं, वो नहीं निकालना है। अगर हम वो भी निकाल देंगे तो उसमें ब्रेड ने बचेगा क्या, और वो इसलिए हमें रखना है क्योंकि वो हमें क्रिस्पी ही सैंडविच चाहिए, तो वो हमारा क्रिस्पी आएगा, उससे और क्रिस्पी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ये मेरा बेटा आ गया है, इसको बहुत शौक है कि मम्मा क्या कर रही हैं, मैं आके खड़ा हो जाऊँ। अच्छा चलिए, हमारी ब्रेड हमने रख ली है, और इसको अच्छी तरह से इसकी जो बैटर है उसको हमें इस पर प्रेस करके रखना है। वैसे ड्राई है तो थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ब्रेड मेरी बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसी नहीं है कि टूटने वाली। जब मैं अभी कट करूँगी तो आपको नज़र आ जाएगा कितनी सॉफ्ट है ये। आप इसको अच्छी तरह से इसको आप पूरे मसाले को उस पर लगा के उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करें ताकि इसमें चिपक जाए, ये ऐसा ना हो कि बाद में फ्राई करते हुए ये अलग होने लगे। इसलिए इसको प्रेस करना है कि ये बिल्कुल दोनों ब्रेड जब मैं इसको पीस मिलाऊं तो बिल्कुल सेट हो जाए।
मेरे बेटे की शरारतें मुस्तकिल चल रही हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि मैं आ जाऊं किसी तरह से। तो बहुत शौक़ है मेरे साथ आके खड़े होने का, काम करने का। किसी दिन उससे भी कुकिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी जो हमारी ब्रेड है उनको अच्छी तरह से मसाला डाल के, जो हमारा जो मसाला ही कहेंगे उसको डाल के अच्छी तरह से उसको हम मिक्स करेंगे और उसको सैंडविचेस पूरे कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत इजी है। रमज़ान में ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि कोई न्यू चीज़ बनाएं, न्यू चीज़ें ऐड करें, तो ये है कि आप इसको इंशाल्लाह ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी रहेगी। मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, और जिसको भी मैं बना के खिलाती हूँ इंशाल्लाह, मेरे हाथ की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं माशाल्लाह से। तो ये आप बनाइएगा और इसका जो क्रिस्पी पन है उसी से मज़े का लगता है। आप चाहें केचप से इसको खाएं, या कोई आपके घर में चटनी वगैरह हो, लाल चटनी या हरी चटनी, तो ये सारे सैंडविच हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस अब इसको हम कट करेंगे। मेरे पेज को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो कोई गलती हो तो बराए मेहरबानी माफ़ कीजिएगा। ये मेरा जो कटिंग बोर्ड है बिल्कुल क्लीन है, इसलिए मैं इस पे से उठा के इसको लगा रही हूँ। कहीं बिल्कुल क्लीन, हर चीज़ का ख्याल रखना है, सफाई का, तो इसलिए क्लीन है बिल्कुल, इस वजह से मैंने इसको उठा के इस पे डाल दिया है। कुछ लोग देख के कहीं ऐसा ना लगे उनको कि मैं नीचे से उठा के डाल रही हूँ, तो ये कटिंग बोर्ड है मेरा। मैं आपको इसलिए प्रोसेस पूरा दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती तो इसको स्पीड में भी कर देती, मगर मैं इसको प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए कि अब मेरी ब्रेड देखें बिल्कुल अलग नहीं होगी। मैं कट भी करूँगी, अच्छी तरह से पूरा फीलिंग करनी है। अब देखें मैंने कट करा, ब्रेड देखें आप कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल। बाहर बहुत शोर है, मैंने अपनी वीडियोस इसी वजह से रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ी थी कि मेरा शोर आ रहा था, मगर अब मैंने ये कहा कि अगर मैं रिकॉर्ड शोर की वजह से अगर मैं टाइम पे टाइम लेते जाऊंगी तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, तो इग्नोर करेंगे हम पीछे की आवाज़ों को और आप मेरी आवाज़ से फोकस करें बस। ये अगर जहाँ भी हमें कटिंग के बाद लगे कि हमारी फीलिंग खाली है, हमें इसको बिल्कुल फिल करना है। ये देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरा बेटा फिर आ गया है, उसको बीच में आना है, बीच बीच में उसको नहीं छोड़ना है मुझे, और अच्छी बात है मुझे छोड़े भी ना, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इनका नाम है अजान हसन। चलें अभी स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। अभी हम फ्राई करेंगे, पहले हम इसको कोडिंग करेंगे अच्छी तरह से। प्याला छोटा था इसलिए मैंने इसको प्लेट में कन्वर्ट कर दिया है। आप अच्छी तरह से इसको, अभी भी आपको बता रही हूँ कि मेरा हैंड जो है बिल्कुल राइट है, लेफ्ट नहीं है, वीडियो में आ रहा है। इसको हम एग में इसको डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब को अच्छी तरह से इस पर कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसको करने के बाद अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप चाहें तो डीप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ्राई करने से ना ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल जब्स कर लेती है अपने अंदर, तो इस वजह से मैं ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही। मैं सिर्फ मैंने नॉन स्टिक का ही तवा है, इसके ऊपर मैंने अपना ऑयल डाला है, और इस तरह से मैं वक्तन फवक्तन मैं इसको चेंज करते जा रही हूँ ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या जल ना जाए। इसको सिर्फ आपको गोल्डन ब्राउन करना है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा ये। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस तरह से फ्राई करना है, और इसके फाइन लुक आप देख सकते हैं, ये रहा फाइन लुक, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बने हैं। और आप ट्राई करिएगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे पेज को, और इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मम्मा आप।
बहुत मज़े बने। अच्छा लगे आपको, और वैसे भी आपकी फेवरेट डिश है ये तो। कितना वेट हो रहा था ना कि जल्दी से मामा शूट करें और मैं खा लूँ। है अब आप बताइए, अब आप क्या कहना चाहेंगी सबको? आप मेरी मम्मा की पेट भरना है।